पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को पता है, यहाँ पे 1 आवर्स एक घंटे में आपका 60 मिनट होता है, ठीक है। तो आपको पता है 1 day is equal to 24 hours, एक दिन में 24 घंटा होगा। इसका मतलब अगर इसको चेंज किया जाए तो ये आ जाएगा 24 × 60, ये मिनट में चेंज हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इन कंडीशन में अब यहाँ पे लिखेंगे आप रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू 24 × 60, और ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 36, और प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इन कंडीशन में देखा जाता है, इसको काट देते हैं यहाँ पे, 0 0 कैंसिल, 6 से इसको 6 बार में, और ये हो गया 4 बार में, ये 2 बार में, और ये 5 बार में। इसका मतलब 5/2 हुआ, इसको काटेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 2.5%। इसका मतलब 36 मिनट जो है एक दिन का 2.5% है। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक संख्या का 3/7 का, 2/3 का, 3/5 का 150 है, तब उस संख्या का 60% कितना होगा, 60%। तो सबसे पहले यहाँ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि नंबर जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, 100, ठीक है। इन कंडीशन में एक्स का 3/7, 2/3, 3/5 ये आपका दिया हुआ है 150, 150, 3 3 यहाँ पे कैंसिल, 3 से इसको काटेंगे ये हो गया 50, 2 से काटेंगे ये हो गया 25, और ये जो नीचे वाला बचा है स्टूडेंट्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 875। अब यहाँ पे हैंस, इसलिए x का 60% बराबर, x कितना आया है 875, और ये 60 हो गया, और नीचे हो गया आपका 100। तो इसको डिवाइड कर दिया जाए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो गया, और ये हो गया 5, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 175। 175 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 525 होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई, यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपया है तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था? स्टूडेंट्स इन कंडीशन में पहले मान लेते हैं कि उसका पिछला वेतन कितना था, सैलरी कितना था। तो माना कि पिछला वेतन 100 रुपया था स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इन कंडीशन में 5% की वृद्धि हुई है, तो सिंपल सा यहाँ पे x का 5% वृद्धि हुई है, इसका मतलब 100 + 5% इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 1806, ठीक है। इन कंडीशन में इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये हो गया x मल्टीप्लाई 105/100 = 1806। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, दिए हो गया 100 × 1806 और डिवाइडेड बाई 105, डिवाइड कर लेंगे 5 से, ये हो गया 20 × 25 100, 5 × 2 = 10, 21 हो गया, 3 से करेंगे यहाँ पे 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18 हो गया यहाँ पे, 3 × 2 = 6 हो गया, 6 × 2 = 8, 7 से इसको देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 × 12 = 56, और 4 इधर आ जाएगा 6 × 12, इसका मतलब 20 × 86 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 0, 1720 रुपये उसका पिछला वेतन था स्टूडेंट्स। इस तरह से बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 नंबर कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिलता है स्टूडेंट्स, इसका ट्रिक है, अगर मान लीजिए आपके पास दो राशि है, दो क्वांटिटी है, x और y है,
तो एक पूछेगा कि एक कम हो गया तो दूसरे में कितना वृद्धि होगा। तो हमेशा याद रखिए, सपोज मान लीजिए यहाँ पे x है तो ये हो गया आपका 100 प्लस माइनस x और मल्टीप्लाई 100%, ये इसका ट्रिक है। तो यहाँ पे x बराबर दिया हुआ है 10% स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा सीधा यहाँ पे मूल्य, इन मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, तो ये हो गया आपका इंक्रीज परसेंट इन प्राइस। ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 10/100 प्लस, कमी हुई तो माइनस करेंगे यहाँ पे, ये हो गया 100, सॉल्व करेंगे ये हो गया 90 मल्टीप्लाई 100, जीरो और एक जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 9/100/9, इसका मतलब 11.9% इसका आंसर होगा। ठीक है, यही अगर यहाँ पे बोला होता कि यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो यहाँ पे जस्ट प्लस कर देना स्टूडेंट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 नंबर सवाल, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो उसकी इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि इसकी खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना ही रहे। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो, सपोज मान लीजिए एक्स प्रतिशत दिया हुआ है, एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 50%, तो यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 100, ये हो गया आपका 50, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 100 प्लस 50 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाई 100 और ये हो गया आपका 150, डिवाइड करेंगे 0, 0 कैंसिल, 5 3 15, ये हो गया 100/3, इसका मतलब 33.1/3 ये आपका